हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मैं बात करूंगी दोनों के हस्बैंड्स के बारे में, सबा और दीपिका के हस्बैंड के बारे में, कि वो दोनों कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और दोनों ने अपनी बीवियों को सेम एज इट इज़ यूज़ किया है। शुएब इस चीज़ में बहुत दूर है, मतलब शुएब का ये है कि शुएब ने ना उस चीज़ों को मान लिया है, और इधर सनी का दूसरा डिफरेंट एटीट्यूड है। तो दोनों के एटीट्यूड तकरीबन सेम है। जो लोग सबा, शुएब और सनी को जो है वो कंपेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं राइट भी है। अब उसकी वजह ये है कि सनी को कहा जाता है, मैं टोटली डिफरेंस बताऊंगी, देखो मैं ये नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, और कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि मुझे किसी ने पैसे दिए, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए सिवाय यूट्यूब के अलावा, कोई मुझे पैसे नहीं देता है। खैर बहरहाल, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करती हूँ, जो चीज़ें दिख रही होती है उस पर बात होती है, और काफ़ी लोग उससे रिलेट करते भी हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। अरे बाबा, व्यूज़ इसी पर आते हैं ना, क्या करें, मैं ज़िंदगी मेरी ख़राब है। अच्छा चलिए, चलो नौटंकी बंद करते हैं और करते हैं हम अपने टॉपिक को शुरू। तो भाई देखो, दीपिका जब, आपको पता है कि दीपिका जब शोएब से मिलती है, तकरीबन 2011 में उनका जो शो शुरू होता है, वहाँ पर जब मुलाकात होती है 2011 में, तो उस टाइम पर दीपिका सेट होती है अपने घर में, यानी उसकी शादी वगैरह हुई हुई होती है और उसका सब कुछ सेट चल रहा होता है, और वो सिर्फ अपना करियर बिल्डअप कर रही होती है, कि उसको करियर में, उसको एक इंडस्ट्री में चांस मिलता है, वो उसको करियर को बिल्डअप करने के मूड में होती है, जबकि उसकी फाइनेंशियली जो हालत होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है, मतलब क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो पायलट है या जो भी है, तो एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी ज़िंदगी। लेकिन उसी टाइम पर शुएब जो होता है वो स्ट्रगलिंग पीरियड पर होता है, स्ट्रगलिंग पीरियड जहाँ पर उसको पैसों से भी स्ट्रगल, फाइनेंशियली भी, और अपने करियर में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फिलहाल देख रही है। इससे पहले उसने एक शो किया होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ खास चार्म दे के नहीं जाता है, लेकिन ये जो शो होता है ये कहीं ना कहीं हिट हो जाता है। तो भाई ये शो शुरू होता है जब ये दोनों मुलाकात होती है इन दोनों की, और इन दोनों की मुलाकात के बाद 2013 में जो है वो शुएब इस शो को छोड़ देता है, जबकि शुएब ये वजह बताता है कि उसकी मेकर्स से नहीं बन पाई, उसने मेकर्स को, इसने कहा कि इसका जो रोल है वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, और इतना ज़्यादा मतलब कोई इफ़ेक्टिव रोल नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जबकि उस टाइम पर उसके पापा को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्रेन स्ट्रोक भी आया हुआ था, एक ऐसे टाइम पर शो छोड़ देना जहाँ पर आपको फाइनेंशियली खास करके पैसों की बहुत ज़्यादा नीड हो, तो उस टाइम पर शो जो है वो छोड़ने का डिसीजन समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको अपने उस टाइम पर घर को देखने की ज़रूरत होती है, आपको अपने पापा को देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपको पता हो कि घर में देखने वाले उनको दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको उस टाइम पर फाइनेंशियली उनको जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो आप उस टाइम पर अपनी जॉब चूज़ करते हो कि नहीं यार जॉब करते हैं, ताकि हम उनको फाइनेंशियली भी, तो हम उसको कौन देगा, घर पर तो चलो अम्मी भी थी, सबा भी थी, सब थे, खालाएँ भी थी, खालू भी थे, सब थे जो उनको देख सकते थे, लेकिन मेन फाइनेंशियली तो कोई भी नहीं देखने वाला था, क्योंकि सब लोअर मिडिल क्लास थे, मतलब इतने ज़्यादा हाई मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग बिलोंग नहीं करते थे, सबको पता था। लेकिन उस टाइम पर शुएब जो है वो शो छोड़ देता है ये कहते हुए कि उसके घर को ज़रूरत है, और इसका जो शो का कैरेक्टर है वो अब उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं रहा है, तो इस वजह से वो शो छोड़ना प्रेफर करता है। लेकिन अब जब रिपोर्ट्स निकल कर आती है, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि शो छोड़वाया जाता है, शो से निकाला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है कि वो दीपिका से चक्कर चला रहा है, जिसकी वजह से दीपिका से उसकी थोड़ी सी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसके फर्स्ट हस्बैंड को पता चल जाता है, और वो उसके भाई के थ्रू उसको शो से निकाल देता है। ये एक अपडेट और ये एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चली हुई है, आप चाहो तो उसको गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो खैर बहरहाल, ये सीन होता है। अब उस टाइम पर 2013 तक ये दोनों, उन्होंने अभी तक तो यही कहा था। अच्छा, इनकी स्टोरी में भी ना बहुत ज़्यादा झोल है, ये लोग कहते हैं कि 2013 में मोहब्बत हो गई थी, कभी कहते हैं कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा टाइम बाद हुई थी, इनका अभी तक कुछ भी फंडा ना, इनकी भी स्टोरी भले उन्होंने लव स्टोरी बहुत बार बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा झोल है, हर जगह अलग अलग बताया ना, अलग अलग ईयर्स बताए हैं, अलग अलग सारी चीज़ें बताई हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका झोल मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो 2013 में ये ख़त्म हो जाता है, देन इसके बाद वो भोपाल वगैरह चल जाता है, वहाँ पर वो अपनी फैमिली देखता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद इन दोनों का कहना है कि इन दोनों को लगता है कि यार ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। उस टाइम पर दीपिका मैरिड होती है, क्योंकि उसकी जो डिवोर्स न्यूज़ है वो 2015 की कन्फर्म्ड है, कि उसको 2015 में डिवोर्स हुई है। अच्छा, उस दरमियान दीपिका का कहना था कि उसकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। अब उस दरमियान में आप देखो तो 2014 तक जो है, 2014-2015 के दरमियान तक वो मुंबई आ जाती हैं, इसके जो घरवाले हैं ना वो मुंबई से आ जाते हैं। अब अगर आप दीपिका के लेटेस्ट व्लॉग देखो या आप सबा के लेटेस्ट व्लॉग देखो, तो वहाँ पर सबा आपको बोलती हुई नजर आएगी कि आप ससुराल से मर के शो से जो है वो जब आप आती, तो आप ऐसे ही साड़ी पहन कर आती थी, जब उसने अपनी बर्थडे में साड़ी पहनी थी तो वो बोलती है मैं साड़ी पहन कर आती थी, ये होता था वो होता था, और आप जो है वो ससुराल से मर के वाइब्स दे रही हो। और उसका भी कहना है कि जब वो आए थे मुंबई भोपाल से, तो दीपिका उनको लेने के लिए आई थी, यानी उस वक्त तक
शुएब जो है वो शो छोड़ चुका था, लेकिन शुएब के साथ कनेक्शन था, तो ये कनेक्शन तो चलता हुआ आता है 2015 में, फिर उसके डिवोर्स वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक सीन आता है कि जहाँ पर दीपिका, जो अभी जिस घर में दीपिका रहती है ना, वो दीपिका घर परचेज करती है, और उस घर के परचेज के बाद दीपिका और शुएब जो है वो लिव इन में रह रहे होते हैं। तो इधर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो सिर्फ फुल ऑन दीपिका ने सपोर्ट किया है, फुल ऑन दीपिका ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये घर वर्ष सब दीपिका का था। क्योंकि जब दीपिका स्ट्रगलिंग फेज में थी तो वो और इसकी अम्मी स्ट्रगल कर रहे थे। वो अपनी अम्मी के बारे में बताती भी है कि वो लोग एक चटाई पे सोते थे, इनके पास जो है वो पर्दे लगाने को भी नहीं थी जब वो स्ट्रगलिंग फेज में थी, यानी जब वो हस्बैंड से, शायद मेरे ख्याल में वो 2012 तक, आई थिंक सो 2012 के एंड में वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, और उसके बाद वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। और उस टाइम पर काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस भी है कि उसको क्यों शो से बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन क्योंकि उसको शो से बाहर इसलिए नहीं निकाला गया, अगर उसके हस्बैंड की चलती भी थी, लेकिन उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। आपको पता है सिमर का एक क्रेज़ चला था, एक सिमर ना बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि हमने भी वो शो देखा, इसलिए हमें पता है कि वहाँ पर जो मेन क्रेज़ था ना वो सिमर का था। और इवन जब प्रेम को भी रिप्लेस किया था ना शेप इब्राहिम को, तो बहुत ज़्यादा फैंस जो है वो डिसहार्ट हुए थे कि हमें इनकी जोड़ी अच्छी लगती है, आपने क्यों उनको हटाया। तो लेकिन सिमर को तो हटाने का सोच ही नहीं सकते थे, मेकर्स को पता था जिस दिन सिमर रिप्लेस हुई उसके बाद ड्रामा चलाना, इनको सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। और यही सीन हुआ, जब दीपिका ने ड्रामा छोड़ा उसके बाद ड्रामा बहुत मुश्किल से सर्वाइव हो पाया, और फिलहाल वो ड्रामा फिर एट द एंड बंद हो गया, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इवन जब उसका पार्ट टू भी शुरू किया वो तब भी इतना ज़्यादा कोई खास टीआरपीज वगैरह नहीं दे पाया, और एक अच्छी टीआरपी नहीं मिली। तो यही था कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर फेस बन गई थी, लेकिन वो उस टाइम तक फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गई थी कि उसने घर परचेज कर लिया, और वो घर के बाद उस घर में रहने लगी और शेप भी साथ में रहने लगा। सही है, उसकी अम्मी आई थिंक सो उसके बाद जो है वो पुणे में जाके चली गई थी, फिर उन्होंने उसको यहाँ पर बुलाया कि चलो तुम अपनी फैमिली यहाँ बुलाओ, मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि दीपिका को उस टाइम पर काम मिल रहा था, दीपिका उस टाइम पर एक पॉपुलर थी, ब्रांड्स भी मिल जाते हैं उस वक्त, एड्स भी मिल जाते हैं, चीज़ें चलती रहती है। जब आप एक पॉपुलर फेस बने हुए होते हो तो आपके पास पैसों के हज़ार तरीके होते हैं कमाने के, लेकिन शुएब उस टाइम पर बिल्कुल खाली था। शुएब बहुत टाइम तक खाली रहा, शुएब के पास कोई शो नहीं था, कुछ नहीं था, तो शुएब भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा निर्भर रहा है दीपिका पर। और अगर आप देखो दीपिका को तो उस टाइम पर शुएब की जो वीडियोस आती थी उस टाइम पर, डब्स मैश और ये सब बहुत चलता था ना म्यूजिकली, और ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी, तो वहाँ पर अगर आप वीडियोस देखो तो शेब आपको बहुत डाउन टू अर्थ नज़र आएगा, जैसे अभी सभा के साथ नहीं नज़र आता है कि सभा जो सनी के साथ, सॉरी सनी नहीं नज़र आता, सभा के साथ बहुत ज़्यादा हम्बल बिहेव करते हुए और बहुत ज़्यादा आगे पीछे घूमते हुए पैम्परिंग करते हुए, इसी तरीके से शेब भी नज़र आएगा, ये सब कुछ पैम्पर करते हुए, कभी वैलेंटाइंस कभी वो कर रहा होगा और कभी स्पेशल फील करवाएगा हर वक्त। दीपिका और शुएब की जब व्लॉगिंग भी स्टार्ट हुई थी ना, तब आप देखना तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर शुएब बहुत ज़्यादा जो है वो दीपिका के लिए करता था और दीपिका एक एटीट्यूड में रहती थी, क्योंकि उस टाइम तक दीपिका के अपने अंडर पैसा था और दीपिका ही फाइनेंशियली इन सबको पालती थी, जिसकी वजह से दीपिका का एक होल्ड था उस घर के अंदर। तो उस टाइम पर शुएब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ था। इवन जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं ना, क्योंकि हम उसको पुराना वॉच करते हैं, जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना आज से 3 से 4 साल पहले, तब हमने जब देखा था ना, तो शुएब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ फील करवाता था भाई, बहुत ज़्यादा। अपनी बीवी को लेकर ना वो जिस तरीके से अभी सनी करता है, अभी जिस तरीके से सनी जलेबियाँ बना रहा है, इस तरीके से तो शुएब भी बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन आज जब देख लो, आज जब पैसा चेंज हुआ, जब फाइनेंशियली, जब हर चीज़ फाइनेंशियली जो है वो दीपिका ने पूरी की थी, सीरियसली उसके घर को रखना, उसके घर वालों को पालना, सभा को पालना, इवन जो सभा के पास फोन भी आया था ना आईफोन, वो भी दीपिका ने परचेज करके दिया था। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि क्या शुएब ने इतनी ज्यादा सेविंग नहीं की थी, क्योंकि शुएब की सेविंग तो उसके अब्बू की बीमारी में ही निकल गई थी, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत बड़ा होता है भाई, खर्चा वाला एक, कहते हैं ना कि आपको बहुत सारे दिन हॉस्पिटल्स में रहना पड़ता है, अच्छी खासी आपको केयर करनी होती है, और अब भी आप देख लो वो कितनी ज्यादा केयर करता है अपने फादर की, तो बिल्कुल वो उसी केयर में, उसके पैसे वगैरह जो भी सेविंग्स वगैरह थे उसकी चली गई। तो उसके बाद जो फाइनेंशियली पूरा का पूरा था वो डिपेंड वो दीपिका पे ही था। हाँ, लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा लोगों को इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब का दौर नहीं था, उनकी डेली व्लॉग्स नहीं थे जहाँ पर हम ये चीज़ देखते थे। बिल्कुल निर्भर था वो यूट्यूब पर, वो सॉरी दीपिका पर। दीपिका ने ही गाड़ी वगैरह परचेज की थी, सबसे पहली गाड़ी दीपिका की ही थी जिसमें वो लोग ड्राइव करते थे, जिसमें वो लोग आना जाना करते थे, क्योंकि मेन काम सिर्फ दीपिका ही कर रही थी। उसके बाद जब इनकी शादी हुई, उसके बाद दीपिका बिग बॉस में चली गई, बिग बॉस अच्छा खासा पे करता है उनको, अच्छा खासा ठीक ठाक पे करता है बिग बॉस उनको, सबको पता है। तो
तो भाई बिग बॉस से उसने कमाई की, जो भी कमाई की उस टाइम तक फाइनेंशियली जो है वो शुएब ही था। शुएब का जो है वो इतना लालची नेचर नहीं नजर आया, वो उसकी वजह मैं आपको बता दूं इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि उस टाइम पर व्लॉगिंग नहीं थी। अगर व्लॉगिंग होती तो आज हम शुएब को भी सनी का ही पार्ट बता रहे होते कि यार कितना लालची है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ने ना इमोशनली एक दूसरे की कमजोरियों के साथ पकड़ा था, यानी दीपिका उस टाइम पर इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी तो शुएब ने उसको अपना इमोशनली गंदा दिया, और शुएब उस टाइम पर फाइनेंशियली जो है वो खराब था तो उसने उसको फाइनेंशियली गंदा दिया। क्योंकि शादी का जिस तरीके से इसने जवाब दिए थे ना, आप उसके इंटरव्यूज देखना जहां पर लोग उससे शादी का पूछते थे कि आप लोग शादी कब कर रहे हो नजपलिए के बाद, तो वो हमेशा यही बोलता था देखेंगे किससे शादी कौन सी शादी। आप उसका इंटरव्यू देखना जो आज भी नजबलिए के बाद बहुत फेमस रहा है, जहां पर वो ही बोलता है हाँ ठीक है देख लेंगे शादी। जब दीपिका बोलते हैं आप इनसे पूछे शादी कब कर रहे हैं, तो बोलते हाँ देख लेंगे शादी। यानी शादी अगर उनका मूड ना भी होता लेकिन उस टाइम पर ये दोनों एक एक दूसरे के साथ शायद नीड पर ज्यादा रह रहे थे बनिस्बत मोहब्बत के। और ये चीज़ अब इनकी वीडियोज में दिखती है कि जो बोलते थे ना परफेक्ट कपल ये है वो है, तो इनके दरमियान अब ये खोखलापन अब नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से शुएब डे बाय डे होता जा रहा है, अजीब सा एरोगेंट बनता जा रहा है, अजीब उसमें जो हम्बलनेस थी वो खत्म होती जा रही है, और ये हम एज अ सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। मैं एज अ रिव्यूअर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ फैन बात कर रही हूँ। जब मैंने उनको देखा था शुरू में, वो जितना ज्यादा दीपिका के साथ टूअर्ड जो है ना, वो आप कह लो ना कि एक बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा था ना, आज वो उसके अपोजिट हो चला है। काफ़ी लोग दीपिका को बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा शौक था डाउन टू अर्थ बनने का, डोरमेट बनने का। अगर आप पुरानी वीडियोस अगर इनकी वॉच करते हो, वहाँ पर दीपिका आपको एक एटीट्यूड में नज़र आएगी। हाँ वो अपने ससुराल वालों को रखती थी, उनके लिए खाने बनाती थी, उनको खुश रखती थी, उनकी तारीफ़ें करती थी, लेकिन काफ़ी लोग ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी करते हैं कि ये अपने माँ बाप को, देखो माँ बाप को जलील करने का ऑप्शन तो मुझे भी गलत लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी रही थी, चाहे वो माँ बाप की सूरत में हो, क्योंकि वो एक ब्रोकन फैमिली से थी। ब्रोकन फैमिली में आपको पता है बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं जो मसले शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो ब्रोकन फैमिली से थी, और उसके बाद उसको एक जब फर्स्ट शादी हुई, अब वो जिस भी वजह से टूटी कि वो उसकी अपनी वजह से टूटी या उसके अपने हस्बैंड की वजह से टूटी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की कमी थी और उसको लगा कि शायद उसने गलतियां की है, इसीलिए वो उस दूसरी शादी में गलतियां नहीं करना चाह रही थी। उसने अपना फाइनेंशियली भी दिया, उसने अपना इमोशनली भी दिया, और उसने अपनी जान भी लगाई उस रिश्ते में कि नहीं यार मैं इस रिश्ते को पूरा 110% दूंगी, और वो उसका देता हुआ नजर आई। वो डाउन टू अर्थ नहीं, वो आज भी देखो करती है। अब इसने रूहान के बाद जाके, एक इंसान ना लंबे अरसे तक इतना ड्रामा नहीं कर सकता, उसकी नेचर है, उसकी नेचर में खिलाना पिलाना ससुराल वालों को रखना उसकी नेचर है, ससुराल वालों के आगे पीछे जाना तो कहीं ना कहीं उसकी नेचर है। देखो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट लड़की है, हम उसको जितना भी बोल रहे हैं कि वो जितना भी डरे करे, लेकिन आज वो अच्छा खासा अर्न करती है अपने यूट्यूब से, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो बेकार किस्म का जो है वो, ठीक है वो उसकी अपनी नेचर है कि बेकार किस्म का उसको सिर्फ इसलिए चाटम चाट करनी पड़े क्योंकि उसको ये रिश्ता चलाना है। ये रिश्ता अगर नहीं भी चलेगा तो वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकती है और अपने बच्चे को अच्छे से लेके पाल सकती है, और ऐसी मिसालें हैं जिनकी दो शादियां नहीं चल रही। तो कहीं ना कहीं वो उसकी अपनी नेचर है जो ये अपने ससुराल वालों को इतना चाटम चाट करती है, लेकिन अब देख लो उसने अपने ससुराल वालों से एक डिस्टेंस बना लिया, अब वो इतना ज़्यादा नहीं करती। हाँ तारीफ़ें अब भी करती है, जब अपनी माँ की तारीफ करती है तो वो तारीफ़ अपनी सास की भी साथ में करती ही करती है, लेकिन अब डिस्टेंस वो नज़र आता है। लेकिन शुएब का जो टुवर्ड्स जो बिहेवियर्स है ना, वो जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, दीपिका के अगेंस्ट जो बिहेव चेंज हुआ है वो थोड़ा सा अजीब है। अब इसी तरीके से सनी को देख लो आप, जब तक सनी के पास रेस्टोरेंट नहीं था, हालांकि ये रेस्टोरेंट किसने ओपन करके दिया, उसको सभा ने ही ओपन करके दिया, तब तक वो सभा पे रिलायबल था, तब तक उसको किसी भी सब्सक्राइबर्स की बात बुरी नहीं लगती थी कि तुम घर जमाई हो, तुम ये हो, तुम वो हो। आज से नहीं बोल रहे, जब से शादी हुई तब से लोग तुम्हें घर जमाई और तुम ऐसी चीज़ें से नाम तुम्हारा ले रहे हैं। ये आज कोई शुरू नहीं हुआ, ये कोई नया शुरू नहीं हुआ है, ये तुम्हारा रोज़ का था। जब तुमने पहले था, जब तुमने बताई थी, तब भी लोगों ने तुम्हें इतना ही ट्रोल किया था, तब तो तुम्हारी जो है वो इज्जत पर बात नहीं आई थी। क्योंकि इज्जत पे बात इसलिए आई क्योंकि अब इसने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया ना, इसको बोला अब तो मैं खुद कमाऊंगा तो मैं अपने पैसों से लूंगा, तो वो देख लो वो बिहेवियर उसका जितना ज़्यादा वो हम्बल बन रहा है, जितना ज़्यादा वो इतना टाइम से 1.5-2 साल से हम्बल बनने का ट्राई कर रहा है, वैसे ही उसके बिहेवियर में चेंज देखो। क्योंकि उस टाइम पर ना ये दोनों का क्या था कि ये दोनों जब तक अपनी बीवियों पर रिलायबल थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बने हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो बीवी के आगे पीछे मंडला रहे थे। जैसे ही इनकी अपनी कमाई शुरू हुई ना, जैसे ही शुएब की अपनी यूट्यूब की कमाई शुरू हुई, यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न किया, शुएब के बिहेवियर में आप चेंज कर लो, पर दीपिका डे बाय डे उसको जो है वो अजीब बनती गई, उसको हर चीज स्पेशल फील करवाती गई, और वहीं शुएब जो है वो बिल्कुल पीछे हट गया। ये जो दीपिका पहले ड्रामा करती है ना, अभी 1-1.5 साल पहले जो उसने ड्रामा किया था, नहीं करवाते स्पेशल फील तो क्या हुआ, तो भाई बहुत स्पेशल फील करवाते, इसीलिए लोग तुमसे वो उम्मीद रख रहे थे कि अब क्यों शुएब नहीं कर रहा है।
पहले अगर व्लॉग्स देखो तो वहां पर शुएब बहुत ज्यादा एफर्ट करता था दीपिका को खुश करने में, अब वो एफर्ट उसके 0/0 नजर आती है। तो इसलिए सब्सक्राइबर सवाल करते हैं कि भाई पहले तो शुएब इतना करता था, अब क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वो पैसा खुद कमाने लगा इसलिए नहीं करता। इसी तरीके से आप देख लो, अभी उसने जैसे ही ये सारे सीन हुए, सब कुछ हुआ, आप देख लेना उसके बिहेवियर में जो चेंज आया, सनी के बिहेवियर में अचानक से जो एक बदलाव, जो उसको सब्सक्राइबर्स की बातें इतनी बुरी लगने शुरू हो गई कि आप लोग बोलते हो ना अब मैं थार नहीं लूंगा फ्रेंड्स, तो ये तो आपको बहुत कुछ लोगों ने पहले कहा था। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इतना ईगो होता अपनी सेल्फ को लेकर, तो आप तो कुछ भी ना लेते। ये जो रेस्टोरेंट आज ओपन हुआ है वो भी ओपन ना करवाते, वो भी पूरे के पूरे सभा के पैसे से हुआ। अब भी काफी लोग बोलेंगे वो तो अभी भी हम्बल है, क्योंकि हम्बल इसलिए क्योंकि इसको रेस्टोरेंट लगा था कि यार अभी स्टार्ट हो गया है ना, तो अब ये ठीक है, स्टार्ट हुआ, इसको अंदाजा हो गया कि यार ठीक है अब तो रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया, मुझे पैसे आने स्टार्ट हो गए, उसको लगा कि अब तो वो लाइन पे चलेगा। और उस दरमियान देखना आप उसकी व्लॉगिंग के पार्ट में, उसने सभा को बहुत ज्यादा नेगलेक्ट करना शुरू किया था, थोड़ा सा इसका बिहेवियर सभा के अगेंस्ट चेंज हो गया था। लेकिन जैसे ही इसको ये अंदाजा हुआ ना कि नहीं भाई अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो ये काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पैसा, अभी देख लो लास्ट वाले व्लॉग में कहा ना कि अभी तो पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ये इस काम में तो अभी हमें पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ रहा है, तो उसको अंदाजा हो गया कि अभी तो पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अभी मैं छोड़ नहीं सकता। इसीलिए देख लो उसने कैसा जलेबा बनाना शुरू कर दिया ना, ये जलेबी की तरह सभा को भी बना रहा है। तो ये है, और आप देखना डे बाय डे जैसे अगर ये व्लॉगिंग करते रहे, आप कुछ साल देख लेना, जैसे ही इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट रखी और अगर सनी जो है अपने पैसों पे सरवाइव करना शुरू हो गया, एक अच्छी जिंदगी उसको अपने पैसों पे मिल गई, तभी उसने कहा कि मैं अब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, आप लोग तो मेरी मेहनत मानते नहीं हुए ना, अभी अचानक क्यों बुरा लगना शुरू हो गया? सोचने वाली बात है ना, जिस बंदे को 1.5 से 2 साल के दरमियान इतनी बातें सुनने, पहले दिन से उसको बातें सुनने को मिल रही है, जो इंसान व्लॉगिंग के वी से भी नहीं जानता था, उसको उस टाइम पर इतना ट्रोल किया गया, वो तब भी नहीं हटा पीछे, आज क्यों हटाना शुरू हो गया? क्योंकि अब वो अपना पैसा निकाल रहा है ना, अब वो रेस्टोरेंट से कमा रहा जो उसके मुताबिक इसका अपना पैसा है, तो इनके बिहेवियर चेंज होने शुरू हो गए। और एट द एंड आप देखना फ्यूचर में अगर ये अपना पैसा ठीक ठाक कमाना अर्न करना शुरू कर देगा ना, तो अब देखना फिर सभा जो है वो उसके पीछे इसको स्पेशल फील करवाते हुए घूमती रहेगी, जैसे अभी सभा को ये स्पेशल फील करवाता रहता है ना, फ्रेंडशिप डे भी हो तो सभा मुंह फुला के बैठ जाती है, तुमने मुझे फ्रेंडशिप डे नहीं कहा। ये आपके पास व्लॉग सबूत है, अब ये जब 3-4 साल बाद जब ये रेस्टोरेंट इसका ठीक हो जाएगा, जब वो रेस्टोरेंट अगर ये चल गया और इसका अर्निंग अच्छी हो गई रेस्टोरेंट से, क्योंकि जितनी पॉपुलरिटी से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो लोग जितना भी बोल रहे हैं खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लेकिन सभा ने ठीक ठाक एक ऑडियंस जो है वो गेन करके रखी है, जो उसके पीछे पागल है, जो उससे मिलने के लिए आएगी, जो उसके पास खाना खाने के लिए आती है। तो अगर ये चल गया रेस्टोरेंट देखो, तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो उसकी लाइन पटरी पर आ जाता है ना, एक रोलिंग चल गई तो फिर वो रोलिंग से रेस्टोरेंट इसका चलना शुरू हो गया, और अगर वो चलना शुरू हो गया और वो जो साइड में जो उसका बिजनेस है जो दूसरा वाला, वो भी अगर अच्छा से स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो अच्छे से यूज कर रहा है सभा के स्टारडम को, उसको पता है, वो सभा से लिंक शेयर करवाता है सभा के पेजेस पर, कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं बोल रही कोई बुरी बात है, ठीक है आपकी बीवी इतनी ज्यादा मशहूर है, जब लोग उससे फायदा उठाते हैं, जब लोग उसको खुद अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा लिंक शेयर करो, तो आप भी करवा सकते हो, इट्स ओके। लेकिन आप देखना जैसे ही वो काम में इतना अच्छा हो गया कि वो सभा से ज्यादा, ये सभा के बराबर का अर्न करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंट ना सभा के भी थोड़े से व्यूवर्स जो ना वो डाउन होने शुरू हैं, आज अगर इसका एक दिन पहले जो उसका व्लॉग आया है वो अभी तक 8 लाख समथिंग तक है, वरना इसके मिलियंस क्रॉस कर जाते, तो यानी व्यूज में उसकी थोड़ी सी कमी आई, अगर इसके व्यूज की थोड़ी सी कमी अगर इसी तरीके से रही और सभा की और उसकी इनकम सेम रहनी शुरू हुई, तो फिर आप उसके बिहेवियर में चेंज देखना, जो कि चेंज आपको, और अगर उसने उस दरमियान व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लिया उसके टक्कर का, तो फिर आप वो चेंज देखना उसके अंदर, देखना पर सभा किस तरीके से उसको पैम्पर करती है, बात बात पर सभा उसको पैम्पर करेगी, अभी तो वो सभा को पैम्पर कर रहा है ना। तो ये सेम सिनेरियो मैंने जो ना शुएब और दीपिका के टाइम पे देखा था, शुएब बहुत ज्यादा पैम्पर करता था भाई, इसी तरीके से पैम्पर करता था, कभी कुछ बना के दे रहा है, कभी कुछ, आपको याद होगा जब वो सिमर के शूट पे गई थी आगरा, तब वो वापसी मारी थी तो वो आमरस और वो बनाया हुआ था उसने, कोरमा और ये सब बनाया हुआ था, अब देख लो अब कुछ भी नहीं है, हालांकि इतना सब कुछ है, अभी जब देख लो अभी रिसेंटली देख लो, और जब बच्चे को लेके गए उसको दीपिका को हॉस्पिटल लेके गए, तो बोलते अच्छा वह सब दीपिका को एडमिट नहीं करना पड़ा वरना बच्चा कौन संभालता। आई एग्री कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हस्बैंड्स के ऐसे रिएक्शंस होते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं डिनाई करूंगी कि हर हस्बैंड जो है वो कोई परियों के परिस्थान से आया होता है और वो हर किसी अपनी बीवी को जो है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है, नहीं देते, हस्बैंड इसी तरीके से लापरवाह होते हैं। लेकिन एक बंदे ने जिसको आप 4 साल से देख रहे हो एज अ व्लॉगर, डेली व्लॉगर, वो इतना ज़्यादा पैम्पर करता हो, वो अपनी बीवी की पीरियड्स के लिए एक पूरी वीडियो बनाता हो, डेडिकेटेड वीडियो कि ये पीरियड्स का होता है, आप अपनी बीवी का ध्यान रखो, ये बहुत कठिन समय होता है, वही इंसान अपनी बीवी को बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। भाई प्रेगनेंसी एक औरत के लिए बहुत बड़ा मरहला है,
और बहुत मुश्किल मरहला है ये, पता नहीं इसको इतना ज़्यादा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इजी ले लिया गया है। हर औरत की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अगर वो कोई अलग रिएक्ट कर रही है तो उसको ये बोला जाता है कि तुम क्या पहली औरत हो जो तुम प्रेगनेंट हो, लेकिन वो पहली ज़रूर है। वो अगर बच्चा पहला या दूसरा पैदा कर रही है तो वो उसके लिए पहला और दूसरा एक्सपीरियंस है, वो सारी दुनिया का एक्सपीरियंस हाथ में लेके नहीं बैठी है, तो उसको अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब वो उस टाइम पर, लेकिन खैर मर्द होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द क्या पूरे के पूरे घर ही ऐसे होते हैं। हम अगर सीरियसली, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पर उनकी सगी माएँ भी बोली थी कि तुम पहली औलाद हो जो तुम बच्चा पैदा कर रही हो, अपनी बेटियों बहुओं सबको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा होता है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, या हम काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग ना उनको देख कर बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट करते हो, आप लोग समझते हो जैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा होता है हर वक्त, लेकिन उन्होंने वो ट्रीटमेंट दिखाया है, तो इसीलिए हमें उनसे हर वक्त यही उम्मीद है कि वो अब थोड़ा सा भी बदलते हैं तो हमें फ़ौरन हो जाता है यार ये क्यों बदल रहा है। पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले जब तक उसके पास अपना पैसा नहीं था तो वो बड़ा, आपको बहुत डिफरेंस फर्क देखेगा, डिफरेंस किस्म का भाई, आप सीरियसली सोचोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा फर्क है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बात ना नेगेटिव है, ना हेट फैलाने की कि हमको उनसे नफरत करते हैं, नहीं, हम एज अ फैन, एज अ सब्सक्राइबर, सीरियसली मेरा क्वेश्चन है कि अब इतना बड़ा बदलाव क्यों, क्या ये बदलाव हमें सनी केस में भी देखना है। तो ये जो बोलते हैं ना कि सनी घर जमाई है, सनी जो है वो बीवी के पैसों पर पल रहा है, तो ये काम शुएब भी कर चुका है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर उसकी लाइफ जो है वो डेली ब्लॉगिंग में नहीं थी तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अगर आप उनकी पास्ट देखो तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ दिखेगा। इसी तरीके से आपको चाटम चाट दिखेगी जो शुएब करता था, जिस तरीके से अभी सनी करता है, लेकिन फिर आएगा जब सबा जो है वो एक तरीके से पैम्पर करना सनी को शुरू कर जाएगी, सनी एक अपने आप को प्रीशियस समझना शुरू कर देगा। ये सेम चीज़ जो है वो दीपिका और उसके दरमियान हो चुकी है। तो खैर बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप उनको कितने टाइम से वॉच कर रहा है, और जितने डिफरेंसेस हमने देखे हैं इनके इस 4 साल की जर्नी में, क्या आपने भी उतने नोटिस किए हैं, आपने क्या अलग से कुछ नोटिस किया है, लाजमी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।